मैं हूं सिंधु दैत्य का पुत्र कमलासुर। मैं लंबे समय से ही पाताल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। बार बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुकारने पर मैं पाताल से पृथ्वी लोक पर चला आया। तीनों लोकों में महान दैत्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जो कार्य मेरे पिता सिंधु ना कर सके, उसे मैं कमलासुर करके दिखाऊंगा। मेरे पिता ने तो केवल श्री हरि विष्णु देव और देवताओं को बंदी बनाया था, परंतु मैं कमलासुर त्रिदेवियों और श्री महागणेश को अपने बंदी गृह में डालकर इस संसार पर एक छत्र असुर साम्राज्य स्थापित करूंगा। परम देव श्री महागणेश, आपकी इच्छा से पुनः प्रकट मैं मयूरेश्वर सिंधु पुत्र कमलासुर की दुष्टता और आसुरी कामों पर अंकुश लगाऊंगा। आपकी कृपा से हम पृथ्वी लोक की आसुरी अत्याचारों से रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता। मैं पृथ्वी के इस आनंद को शोक में बदल डालूंगा। शोक में जो पृथ्वी का भाग मुझे अपना स्वामी नहीं मानेगा, मैं उस भाग को शमशान में बदल डालूंगा। शमशान में। और महोत्कट की बातें सुनकर देवी अदिति चकित हो जाती हैं। श्री गणेश की कृपा से सुलोचना की सहायता के लिए भगीरथ पुनः वन में पहुंचते हैं। उधर सदा की भांति महर्षि कश्यप आज भी श्री महागणेश की आराधना कर रहे हैं। महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम ऋषिवर, मेरी बात सुने। ओम महागणेश, अपनी आराधना को विराम दे। ऋषिवर, क्या बात है देवी, तुम विचलित दिखाई दे रहे हो। हाँ स्वामी, महत्कट और गौरीपुत्र वन में खेलने गए हैं, परंतु इतना समय बीत जाने पर भी लौट कर नहीं आए हैं। मुझे उन दोनों की चिंता सताई जा रही है। जिसे सारे संसार की चिंता रहती है, तुम्हें उनकी चिंता सता रही है। महत्कट और गौरीपुत्र को लंबे समय के बाद खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे ही उनका मन भर जाएगा, वे स्वयं लौटकर वापस आ जाएंगे। देवी, पिता होने पर भी आप पुत्र की ओर से कितने निश्चिंत रहते हैं। यदि पुत्र महत्कट और गौरीपुत्र जैसे हो तो पिता निश्चिंत ही रहेगा, तुम्हें भी उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। महत्कट और गौरीपुत्र से अधिक तो मेरी चिंता का कारण ये दोनों असुर हैं। इन अचेत असुरों के लिए कैसी चिंता देवी। अधिक समय तक इनका यहाँ पड़े रहना उचित नहीं है स्वामी। इनके साथी असुर और दानव अवश्य कोई उपद्रव कर सकते हैं। प्रतिशोध की भावना से हमें हानि पहुंचा सकते हैं। पता नहीं
गौरीपुत्र और महतकट इन्हें पाताल क्यों नहीं भेज देते? श्री महागणेश भक्ति का प्रभाव देखने के लिए सचेत होने तक की प्रतीक्षा करने का आदेश तुमने गौरीपुत्र और महतकट को दिया था देवी। दिया तो था स्वामी, परंतु परंतु स्वयं को निश्चिंत नहीं कर पा रहे हो। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखो देवी। जब ये दोनों उनकी इच्छा से यहाँ आए हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई शुभ उद्देश्य होगा। मेरे स्वामी, महोत्कर्ष श्री गणेश यहाँ नहीं है। अब तो परम गणेश भक्त सदाशिव और सुलोचना के सुखद भविष्य का परामर्श लेने के लिए मुझे गौरीपुत्र श्री गणेश के पास कैलाश जाना होगा। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी। आपके कहने पर मैंने गौरीपुत्र को महोत्कट के साथ खेलने भेज दिया, परंतु परंतु तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मंगल मूर्ति शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएंगे। केवल तुम ही अपने पुत्र के लिए चिंतित नहीं हो, उधर देवी अदिति भी पुत्र महोत्कट के लिए चिंतित है, क्योंकि तुम दोनों माताओं का हृदय ये बात मानता ही नहीं है कि वे दोनों तेजस्वी बालक श्री महागणेश के ही अवतार हैं। वे जहाँ भी रहते हैं उनकी समस्त चमत्कारी शक्तियाँ उनके साथ ही रहती हैं। कोई भी अशुभ शक्ति उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है गौरी। ये सारी बातें मैं जानती हूँ स्वामी, परंतु केवल मैं इतना जानना चाहती हूँ कि वे दोनों इस समय कहाँ हैं। यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती तो तुम स्वयं ही देख लेती कि वे दोनों बालक देवी अदिति के आश्रम के निकट वन में कंदुक खेल रहे हैं। और अब तो उनका खेल पहले से अधिक विचित्र और रोमांचक होने वाला है। विचित्र, रोमांचक, अर्थात? अर्थार्थ का अर्थ जानने के लिए तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उन दोनों के खेल का आनंद लो देवी। जय जय श्री महागणेश। सकता है इसके पीछे परम देव श्री महागणेश का कोई गुप्त संकेत हो। गुप्त संकेत? परम देव श्री महागणेश के संकेत का रहस्य तो मुझे समझ में नहीं। हो सकता है हमारी माताएं हमारी चिंता कर रही हो, इसी कारण। और भी तो कारण हो सकता है ना महोत्कट। पातालवासी जगन और घनु अदिति आश्रम में अचेत पड़े हैं। उन दोनों के कारण भी तो माता अदिति चिंतित हो सकती हैं। हाँ, माता ऐसा सोचती हैं कि उन दोनों असुरों के कारण प्रतिशोध की भावना से कोई अशुभ शक्ति आश्रम में प्रवेश कर सकती है। तब तो उन्हें वहाँ से हटाना होगा। हटाना ही नहीं गौरी पुत्र, यहाँ बुलाना भी होगा कंदुक के रूप में। धूमराज पुत्र पातालवासी जगत अदिति आश्रम से उड़कर कंदुक के रूप में मेरे हाथों में आ जाओ। धूमराज पुत्र पातालवासी घनु शीघ्र कंदुक बनकर मेरे हाथों में आ जाओ। हाँ।
शिवा गणेश। तो अब ये निश्चित हुआ कि हम इन्हें खेल खेल में इनके पिता धूमराज के पास पहुंचा देंगे। माता अदिति की चिंता का अंत करने के लिए ऐसा ही करना होगा गौरी पुत्र। शिवा गणेश, हमारा शरीर सिकुड़ा जा रहा है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है, हमें इस यातना से मुक्त करो। मुक्ति देने के लिए ही तो हमने तुम्हें अपने पास बुलाया है। जगन, धनु, तुमने कुछ समय तक परम देव श्री महागणेश की आराधना की थी, इसीलिए अब तुम दोनों को हमारे हाथों में आने का सुअवसर मिला है, अब मुक्ति भी मिल जाएगी। जय जय शिव अग्रेश। हे प्रभु क्या करूं? ओम महागणेशाय नमः। जय जय शिव अग्रेश। प्रभु दया करें, दया करें गौरी पुत्र श्री गणेश, मोहतकर श्री गणेश, दया करें, इन्हें इस भयानक यात्रा से मुक्ति प्रदान करें। गौरी पुत्र श्री गणेश, मोहतकर श्री गणेश, दया करें। मोहतकर, हमें अपने भक्त दयासुर की इच्छा का सम्मान करना ही होगा, अवश्य। चिंतित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, हम तो माता से आगे लेकर आए थे। तुम्हें कहीं भ्रम तो नहीं हुआ भक्तराज दयासुर? नहीं प्रभु, नहीं। मैंने अपनी आंखों से अदिति आश्रम में माता अदिति को और कैलाश में माता पार्वती को आप दोनों के लिए चिंतित देखा है। अर्थात हमें ढूंढने के लिए तुम दोनों स्थानों पर गए थे दयासुर? जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, आपके आदेश और मार्गदर्शन के बिना मैं श्री गणेश भक्त की सहायता कैसे कर सकता हूँ? तुम किन गणेश भक्तों की बात कर रहे हो दयासुर? हमने तुम्हें परम देव श्री महागणेश की इच्छा से संसार की सभी देवी शक्तियाँ प्रदान की हैं। हर भक्त की सहायता करने का निर्णय तुम अपनी इच्छा से ले सकते हो दयासुर। हे विघ्नहर्ता, मैं आपकी भक्ति और कृपा से श्री गणेश भक्तों पर आए संकट को दूर तो कर सकता हूँ, परंतु आपके मार्गदर्शन के बिना उन्हें सुखद भविष्य का मार्ग नहीं दिखा सकता। जो बुद्धि आप मुझे प्रदान करेंगे, मैं उसका उतना ही प्रयोग करूंगा ना? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया दयासुर। पहले ये बताओ, तुम किस गणेश भक्त का मार्गदर्शन करना चाहते हो? जय जय श्री महागणेश। प्रभु, मार्गदर्शन तो आप करेंगे, मैं तो केवल आपके आदेश का पालन करूंगा। भक्तराज दयासुर, घुमा फिरा कर बात करने का स्वभाव अच्छा नहीं होता, हमने देख लिया है तुमने गणेश भक्त सदाशिव और उसकी पुत्री सुलोचना की हर प्रकार से सहायता की, परंतु अब भी उनके संकटों का अंत नहीं हुआ है, उन्हें छोड़कर इस प्रकार यहाँ आना उचित नहीं है। जय जय श्री महागणेश। क्षमा करें प्रभु, मन में आप दोनों के दर्शनों की लालसा जाग उठी थी। केवल दर्शनों की लालसा के वश में होकर ही तुम हमारे भक्तों का साथ छोड़कर चले आए? नहीं नहीं प्रभु, एक और कारण है। मैंने देखा कि आपका परम भक्त भगीरथ उनकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच गया है, तो मैं... हम तो समझ गए दयासुर, परंतु तुम ये नहीं समझे कि गणेश भक्त भगीरथ के पास भक्ति की शक्ति तो अवश्य है, परंतु तुम्हारे समान वरदान की चमत्कारी शक्ति नहीं है। प्रिय मोहतकर, हम गणेश भक्त सदाशिव और सुलोचना की सहायता स्वयं तुम्हें ही करनी होगी। मुझे क्यों? क्योंकि मेरा अब कैलाश लौट जाना अत्यंत आवश्यक है। माता अदिति के पास रहकर मैं उन दोनों गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता कैसे कर पाऊंगा गौरी पुत्र? जय जय श्री माँ गणेश। हे प्रभु, श्री माँ गणेश की इच्छा और कृपा से कुछ समय पहले उनके तीन तीन अवतार एक साथ प्रकट हुए थे, गौरी पुत्र, गजानन और एकदंत। क्यों भक्तराज दयासुर, क्या तुम्हारी दृष्टि में मैं परम देव श्री महागणेश का अवतार नहीं हूँ? क्षमा चाहता हूँ स्वामी, क्षमा चाहता हूँ। आप तो मयूरेश्वर, गजानन और एकदंत से भी पहले प्रकट हुए हैं, आपकी महिमा का वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले
अड़ुए अवतारों की बात याद दिलाकर तुम क्या कहना चाहते हो दयासुर? जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, हे मंगल मूर्ति, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी माता को संतुष्ट रखते हुए यदि आप श्री गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता करना चाहते हैं तो महोत्कट भक्त राज दयासुर परम देव श्री महागणेश के परम भक्त हैं। कहीं ये अपनी बातों से परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत तो नहीं दे रहे हैं? परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अर्थात एक और अवतार की भूमिका तो बनानी ही होगी। संसार में जब जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार का जन्म होगा, तब तब परम देव श्री महागणेश के किसी अवतार की भूमिका तो स्वयं ही बन जाती है। अन्याय, अधर्म, अत्याचार, हे प्रभु, धूम्राक्ष, जगन और घनु की मुक्ति के बाद अब तो ये सारा संसार अशुभ शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गया है। ऐसा तुम सोच सकते हो भक्तराज दयासुर, क्योंकि तुम्हारे मन में केवल दया की भावना है। सच तो ये है कि शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और प्रकाश अंधकार का संघर्ष इस सृष्टि के पहले दिन से अंतिम दिन तक चलता ही रहेगा। जय जय श्री महागणेश। शुभ अशुभ के संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक नए अध्याय के जुड़ने की भूमिका श्री महागणेश की इच्छा से स्वयं ही प्रकट हो गई। अशुभ, अन्याय, अधर्म और अंधकार का प्रतीक सिंधु दैत्य का पुत्र पातालवासी कमलासुर, शुभ, न्याय, धर्म और प्रकाश के प्रतीक श्री महागणेश अवतारों को चुनौती देने के लिए उतावला हो रहा है। मैं हूं सिंधु दैत्य का पुत्र कमलासुर। मैं लंबे समय से पाताल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। बार बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुकारने पर मैं पाताल से पृथ्वी लोक पर चला आया। तीनों लोकों में महान दैत्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जो कार्य मेरे पिता सिंधु ना कर सके, उसे मैं कमलासुर करके दिखाऊंगा। मेरे पिता ने तो केवल श्री हरि विष्णु देव और देवताओं को बंदी बनाया था, परंतु मैं कमलासुर त्रिदेव, त्रिदेवियों और श्री महागणेश को अपने बंदी गृह में डालकर इस संसार पर एक छत्र असुर साम्राज्य स्थापित करूंगा। परम देव श्री महागणेश, आपकी इच्छा से पुनः प्रकट मैं मयूरेश्वर सिंधु पुत्र कमलासुर की दुष्टता और आसुरी कामों पर अंकुश लगाऊंगा। आपकी कृपा से हम पृथ्वी लोक की आसुरी अत्याचारों से रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता। मैं पृथ्वी के इस आनंद को शोक में बदल डालूंगा, शोक में। जो पृथ्वी का भाग मुझे अपना स्वामी नहीं मानेगा, मैं उस भाग को शमशान में बदल डालूंगा, शमशान में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांत सदाशिव की जय हो। प्रणाम देवाधिदेव महादेव, प्रणाम देव देवेश्वरी माता पार्वती। श्री महागणेश की आज्ञा और इच्छा के अनुसार मुझ मयूरेश्वर को माता पिता की सेवा का अवसर एक बार फिर प्राप्त हुआ है। मुझे पुत्रवत स्नेह प्रदान करें। आ, 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 आ,
देख लिया देवी पार्वती, अब तुम्हें गौरी पुत्र के न रहने से चिंतित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी सेवा के लिए श्री महागणेश की कृपा से प्रिय पुत्र मयूरेश्वर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? गौरी पुत्र ने मुझे वचन दिया था कि वो शीघ्र लौट कर आ जाएंगे। तब तो शुभ और मंगल का संयोग होगा माता, हम दोनों मिलकर आप दोनों की सेवा करेंगे। परंतु माता, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपा करके पहले के समान मुझ पर रुष्ट न होना। नहीं पुत्र, नहीं, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप आज तक है। परमदेव की इच्छा से तुमने लौटकर मेरी भूल का प्रायश्चित करवा दिया। धन्य है परमदेव श्री महागणेश, धन्य है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। प्रिय पुत्र मयूरेश्वर, आगे पिताश्री, अशुभ शक्तियों को दंडित करने के साथ ही साथ भक्त और भक्ति की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अवश्य, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मैं अपने प्रकट होने का उद्देश्य भलीभांति जानता हूँ पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो। भैया सदाशिव, कन्या तो पराया धन होती है। हाँ मित्र, होती तो है, परंतु इस बात को मानने का मन नहीं करता। बिना सुलोचना के मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु कन्या को कब तक घर पर बिठा कर रख सकते हो? एक न एक दिन उसे विदा तो करना ही होगा। सुलोचना अब सयानी हो गई है, तुम्हें उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। मैं जानता हूं सदाशिव, तुम यही सोच रहे हो ना कि सुलोचना तुम्हारा एकमात्र सहारा है। वो ब्याह कर चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा? अब तो तुम्हारे पास घर भी नहीं रहा। मुझ अंधे के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है मित्र भगीरथ। बेटिया का कन्यादान करके मैं गणेश महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे अपने पास बुला ले। मैं इस संसार में रहूं न रहूं, इससे किसी को क्या अंतर पड़ सकता है? ना पापू, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। आप ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। आपको श्री गणेश महाराज की सौगंध। कभी भी ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। अपने बाबा की बात पर ध्यान न दो बेटी, गणेश महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जितना हम सोचते हैं उससे भी अधिक वे हमारी चिंता करते हैं। यदि गणेश महाराज तुम्हारी चिंता न करते तो वे अपने साथ तुम्हारे यहां मुझे क्यों ले आते? तुमने तो देख लिया बेटी कि आते ही वे तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर पग पग पर तुम्हारी सहायता करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मित्र, मित्र सदाशिव, तुम अपनी हर चिंता श्री गणेश के पावन चरणों में छोड़ दो, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जो कन्या विवाह के योग्य हो जाती है उसके श्रेष्ठ वर का चयन भी वे ही करते हैं। देख लेना, सुलोचना के साथ भी ऐसा ही होगा। बाबा, मैं चिंतामणि के भोग की व्यवस्था करने जाती हूँ। चले जाने से भक्तों के उद्धार का क्या होगा महोत्कट? तुमने सुना नहीं, भक्त भगीरथ ने सुलोचना के ब्याह की चिंता हम पर डाल दी है। अब तुम ही बताओ, हम बालक भला सुलोचना के वर का चुनाव कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम तो ये भी नहीं जानते कि ब्याह होता क्या है। परंतु गौरी पुत्र, जब हम बड़े से बड़े शक्तिशाली राक्षसों का वध कर सकते हैं तो भला ब्याह कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है मोहतकट, परंतु जिस बात का स्वयं अनुभव ना हो तो तुम भक्तों की सहायता के लिए विवाह का अनुभव लेना चाहते हो? अनुभव लिए बिना भी तो हम माता पिता की सहायता से
सुलोचना के वर का चुनाव कर सकते हैं ना महोत्कट? तुम धन्य हो बुद्धि निदान गौरी पुत्र, हम इस कार्य में अपने माता पिता की ही सहायता लेंगे। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस सोच में पड़ गए तुम? महोत्कट, तुम्हें माता अदिति के पास अदिति आश्रम और मुझे माता पार्वती के पास कैलाश लौटना होगा, फिर हम इन दोनों गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता कैसे कर पाएंगे? इसमें चिंता की क्या बात है गौरी पुत्र, तुमने स्वयं ही कहा है कि इनकी सक्रिय सहायता मुझे ही करनी है, तो मैं इनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर पहुंचता हूँ और तुम अदिति आश्रम जाकर माता से कहना कि मैं समय मिलते ही उनसे मिलने पहुँच जाऊँगा। जय जय श्री महागणेश। ओम गणपतये नमः। 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 भक्तों पर दया करने वाले दया निधान गणेश महाराज, हम निर्धन निसहाय आपके लिए उचित प्रसाद का प्रबंध नहीं कर सके, हमें क्षमा करना क्षमा निधान। गणेश महाराज, आप तो हमारी निर्धनता और विवशता से भली भांति परिचित हैं। ये भोग आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो हम निर्धन भक्तों का मान बढ़ेगा। हे परम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, हम जानते हैं आप किसी प्रसाद के भूखे नहीं, आप तो भक्तों की भक्ति भावना से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी भावना को भोग समझकर स्वीकार करें। जैसा भी हो, भक्तों का प्रसाद तो ग्रहण करना ही होगा। तीनों की भक्ति भावना और समर्पण का उत्तर अपनी कृपा से देना मेरा कर्तव्य है। बाबा, आसपास कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा, कौन उठा ले गया हमारे प्रसाद? बेटी सुलोचना, हमने सच्चे मन से गणेश महाराज से प्रसाद स्वीकार करने को कहा और उन्होंने कर लिया, और हमें क्या चाहिए? अर्थात साक्षात श्री गणेश महाराज इस मूर्ति में विराजमान है, हम धन्य हो गए भगीरथ। सदाशिव मामा जी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको वन में ढूंढ रहा हूँ। मुझे मामा जी कहने वाला ये बालक कौन है? प्रेमा दादी ने मुझे आपके पास भेजा है पाटन ले जाने के लिए, आप उन्हीं के घर जाना चाहते हैं ना? परंतु प्रेमा बहन को कैसे पता कि हम उनके पास जाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको प्रेमा दादी ही दे सकती हैं। हाँ,
उन्होंने कुछ लड्डू आप सबके लिए भिजवाए हैं। उन्हें पता था कि आप सबने कुछ भी नहीं खाया होगा। भला इस वन में भोजन कहाँ से मिलेगा? मामा जी आप भी लीजिए। मेरी ओर क्या देख रहे हैं? पहले पेट पूजा कीजिए। गणेश जी की ये मूर्ति चमत्कारी दिखाई पड़ती है। इन्होंने अवश्य ही आप सबकी कोई सहायता की होगी। सहायता तो तुमने भी की है, हमें बुआ जी के घर तक पहुंचाने और इस वन में ऐसे स्वादिष्ट मिष्ठान को भेंट करने की। हमारे लिए तो तुम ही श्री गणेश के समान हो। मैं श्री गणेश नहीं, शिवदत्त हूँ सुलोचना बहन। सुलोचना बहन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आप सबका नाम जानकर ही तो मैं घर से निकला था। अब बातें बाद में होगी, पहले भोजन करिए, मुझे भी भूख लग रही है। पुत्र, तुम अकेले? महतकट कहाँ है? महतकट को एक आवश्यक काम आ पड़ा माता, वे भक्तों की सहायता करने गए हैं, शीघ्र लौट कर आएंगे, यही सूचना देने। वो आवश्यक काम क्या तुम नहीं कर सकते थे गौरी पुत्र? मेरे महतकट को क्यों भेज दिया? क्या तुम एक माता की वेदना को नहीं जानते? दोनों तो परमदेव श्री महागणेश के दिव्य अवतार हो। संसार का हर आवश्यक कार्य तुम जहाँ जाओ वहाँ रहकर संपन्न कर सकते हो। शीघ्र जाओ, मेरे महतकट को मेरे पास ले आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माता, महतकट ने स्वयं कहा है कि काम के बीच में समय मिलते ही वे आपके दर्शन करने चले आएंगे। अपनी माता को सताने वाले महतकट की बातों पर अब मुझे विश्वास नहीं रहा। क्या विचार है? मैं क्या कह सकता हूँ, कहेंगे तो आप ही। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हम सब शिवगण शिव आज्ञा से आपके अधीन हैं। आप शिवगणों के नायक जो हैं। अवसर देखते ही मेरी आज्ञा के अधीन बन जाते हो। ये आरोप मुझ पर सत्य नहीं है नंदी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो आज तुम्हारी धर्म निष्ठा की परीक्षा ले ली जाए। मैं परीक्षा से नहीं घबराता नंदी महाराज, मुझे अपने धर्म पर पूरा विश्वास है। आज्ञा करें। तो जाओ मयूरेश्वर श्री गणेश से गौरी पुत्र श्री गणेश के विषय में पूछ कर आओ। जाओ। परंतु मयूरेश्वर तो विचार मग्न है, कहीं मुझ पर रोष तो नहीं करेंगे? रोष से डरने वाले धर्म की दुहाई नहीं देते। अब तो मानते हो कि तुम धर्म विरुद्ध हो। ये बात है। हाँ। तो मैं अभी अपने धर्म का प्रमाण देता हूँ। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री मयूरेश्वर। क्यों नंदी भृंगी महाराज, क्या गौरी पुत्र अब तक कैलाश नहीं लौटे?
आप भी तो श्री माँ गणेश के अवतार हैं श्री मयूरेश्वर। आप तो जानते ही होंगे कि गौरी पुत्र इस समय कहाँ है। माता पार्वती भी उनके लिए चिंतित है। माता चिंतित है तो उनकी चिंता का अंत करना ही होगा। श्री गणेश इस समय परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कर्ष श्री गणेश का काम कर रहे हैं। तो क्या वे? नहीं नहीं नंदी महाराज, गौरी पुत्र के मुख पर शीघ्र कैलाश लौट कर आने की चिंता दिखाई दे रही है। तब तो वे शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएंगे। अवश्य भक्तों की सहायता करके जैसे ही महोत्कर्ष अतिथि आश्रम लौटेंगे वैसे ही गौरी पुत्र भी कैलाश लौट आएंगे।